अपने आप को देखा जाए, जिस युग में हम जी रहे हैं, इस युग में अधिकतर विचार कौन से चलते हैं? ये चारों में से। आज का युग है तनाव का युग। ये तनाव के युग में सबसे अधिक विचार कौन से चलते हैं मनुष्य के? व्यर्थ चलते हैं। दूसरे नंबर पर आवश्यक, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। दूसरे नंबर पर देखा जाता कि नेगेटिव विचार ज्यादा चलते हैं। अब कहा जाता है एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा चिंतन वैसा जीवन। अगर चिंतन की क्वालिटी नेगेटिव और वेस्ट अधिक है तो जीवन की क्वालिटी क्या होगी? सिंपल लॉजिक है। क्या आज मनुष्य भगवान को भी याद करता है ना, वहां भी पॉजिटिविटी नहीं है, पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं है। भगवान के साथ भी एक बिजनेस हो जाता है, हे प्रभु मेरा इतना काम हो जाए तो दो नारियल चढ़ा दूंगा। बिजनेस हुआ ना, ये काम का भाव दो नारियल है। अगर भगवान कर दे तो उसको मिल जाएंगे, और भगवान ने नहीं किया तो नहीं मिलेगा, है ना। कभी कभी हम भाव बढ़ाते भी हैं। कोई बड़ा काम होगा तो कहेंगे 101 रुपया चढ़ावा चढ़ा देंगे, या 501 रुपया चढ़ावा चढ़ा देंगे। तो एक बार्गेन है ना भगवान के साथ, एक डील है भगवान के साथ। और भगवान ने किया तो मिल गया, नहीं किया तो नहीं मिला। तो जहां भगवान के साथ भी पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं है तो इंसान के साथ तो क्या होगा? इसलिए कहा अधिकतर विचार जहां नेगेटिव और वेस्ट चल रहे हैं तो नेचुरल है कि वो फीलिंग्स जो है मनुष्य जीवन की क्वालिटी को भी कैसा बना रहा है। इसलिए मनुष्य जीवन की क्वालिटी में शांति सुख आनंद नहीं, क्योंकि नेगेटिव चिंतन करने के बाद क्या शांति मिलेगी? वेस्ट चिंतन करने के बाद सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा? नहीं। अगर मुझे अपनी बैटरी को चार्ज करना है सुख शांति आनंद प्रेम आदि से, तो उसके लिए तो वैसे क्वालिटी का चिंतन करने की आवश्यकता है। और जितना पॉजिटिव चिंतन करेंगे उतनी बैटरी चार्ज होगी। लेकिन पॉजिटिव चिंतन करें कैसे? जागृति अवश्य है दुनिया के अंदर कि पॉजिटिव चिंतन करना चाहिए। आजकल छोटे बच्चे भी माँ बाप से कहने लगे, नेगेटिव क्यों सोच रहे हो, पॉजिटिव सोचो ना, कहते। लेकिन ये पॉजिटिव विचार करना चाहिए ये दूसरे को सलाह देने तक, खुद के एप्लीकेशन के लिए नहीं है। दूसरा कोई नेगेटिव सोच रहा होता है तो हम बहुत अच्छी एडवाइस दे सकते, क्यों नेगेटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव सोचो। लेकिन जब खुद के लिए आता है और खुद नेगेटिव सोचने लगते हैं और वह व्यक्ति हमें कहता है, हमें तो बड़ी अच्छी सलाह दे रहे थे, अब तुम्हें क्या हुआ, तो क्या कहते हैं, मेरी बात अलग है तेरी बात अलग है। मेरे केस में तो ये मैं वास्तविक सोच रहा हूं, लेकिन तेरे केस में तुम नेगेटिव सोच रहा था, इसीलिए हम तेरे को कह रहे थे। कभी हम एडमिट नहीं करते हैं कि हाँ मैं भी नेगेटिव सोच रहा हूं, क्योंकि मुझे भी पॉजिटिव सोचने का तरीका मालूम नहीं है। तो इसीलिए नेगेटिव चिंतन करने के बाद पॉजिटिव आउटपुट कभी मिल नहीं सकता है जीवन के अंदर। विचारों में इतनी महान शक्ति है, जैसा सोचेंगे वैसी फीलिंग्स जनरेट होगी, वैसा ही व्यवहार होगा। विचार एक ऐसी चीज है कि
कोई भी विचार को बार बार चलाते रहने से वैसा अनुभव मिलेगा जीवन के अंदर। विचारों में ऐसी शक्ति है कि बार बार विचार करने से वही हमारी मान्यता बन जाती है, वैसी मनोवृत्ति बनने लगती है और फिर वो मान्यताएं जीवन में सही होने लगती है। विचार एक बीज की तरह है, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि सकारात्मक विचारों में शक्ति का संचार होता है, नेगेटिव विचारों में शक्ति क्षीण होती है। हाँ, कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है कि आज सुना माना कल से लेकर के पॉजिटिव थिंकिंग आरंभ हो जाएगा। अभ्यास करना पड़ता है उसके लिए, और जितना अभ्यास करते हैं उतना धीरे धीरे हम अपनी शक्ति के अंदर एक परिवर्तन ला सकते हैं, संकल्प की शक्ति में परिवर्तन ला सकते हैं, और धीरे धीरे हम अपने विचारों को चेंज कर सकते हैं। लेकिन विचारों में परिवर्तन लाने के लिए वैसा इनपुट चाहिए। अगर वैसा इनपुट है तब प्रोसेस चलेगा और तब आउटपुट भी रहेगा जीवन में, नहीं तो नहीं रहेगा। वो विचार सारे फिर बुद्धि के पास जाते हैं। बुद्धि यानी समझने की शक्ति का दूसरा नाम। वो हर विचार को समझने का प्रयत्न करते हैं। कैसे? तो बुद्धि है आत्मा के अंतर चक्षु, जो भी विचार मन के अंदर आते हैं बुद्धि उसको विजुलाइज करती है, और जितना उसका विजुलाइजेशन पावरफुल है उतना उसको समझने की शक्ति बढ़ जाती है। क्योंकि बुद्धि के पास दो गिफ्ट है। जब इंसान का जन्म होता है तो ईश्वर से उसको दो गिफ्ट मिलती है, एक तो विवेक युक्त बुद्धि जिसमें विवेक भरा हुआ है, और दूसरा है विल पावर, आत्मशक्ति, मनोबल जो बुद्धि के पास है, जिसके आधार पर डिसीशन लेने में उसको आसानी होती है। तो वो बुद्धि हर बात को विजुअलाइज करती है, और विजुअलाइज करने के साथ साथ फिर उसको एनालाइज करती है। एनालाइज करने के बाद उसको जैसे जैसे समझ शक्ति उसकी स्पष्ट होती जाती है, विश्लेषण उसका ठीक होता जाता है, वैसे फिर उसकी परख शक्ति बढ़ने लगती है और उसके आधार पर निर्णय लेती है। और देखा गया जीवन में जब जब सही निर्णय लिया है तब तब आत्मा को एक सुकून का अनुभव हुआ है, एक सुख की अनुभूति हुई है। और जीवन में जब जब गलत निर्णय लिया गया है तब तब मन अंदर से स्वयं को कचोटता रहा है। कुछ प्राप्ति हो जाने के बाद भी वो प्राप्ति का सुख अनुभव करने नहीं देता है। तो इसलिए बुद्धि भी आत्मा की बैटरी को कैसे चार्ज करती है, तो जितना विजुअलाइजेशन पावरफुल है उतनी समझ शक्ति अधिक है। कहा जाता है कि दुनिया के अंदर सक्सेसफुल व्यक्ति कौन? सक्सेसफुल व्यक्ति वही है दोज हु आर विजनरीज। तभी तो कई जगह ये स्लोगन पढ़ने को मिलते हैं, इफ यू कैन परसीव यू कैन अचीव। अगर आपका परसेप्शन सही है तो आपको जीवन में हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं। और उसके बाद जब कर्म में आते हैं
कर्म आत्मा के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ देता है। जिस प्रभाव को दूसरे शब्द में कहा जाता है संस्कार। संस्कार कोई एक प्रकार के नहीं है, क्योंकि हर आत्मा अलग अलग है। हर आत्मा में पांच प्रकार के संस्कार हैं। वो पांच प्रकार के संस्कार कौन से? सबसे पहले प्रकार के संस्कार है ओरिजिनल संस्कार। जब ईश्वर के धाम से संसार में आते हैं तो वो ओरिजिनल संस्कार लेकर के आते हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है तो कितना शुद्ध और पवित्र है, ये उसके ओरिजिनल संस्कार है। जब सोया हुआ होता है तो कहेंगे कितनी शांति है। नींद में अगर मुस्कुराता है तो कहेंगे कितना सुख का अनुभव है। जब वो हंसता है तो कितना प्यारा लगता है। तो ये है उसके ओरिजिनल संस्कार, जो हर आत्मा के एक जैसे है। लेकिन उसके बाद दूसरे प्रकार के संस्कार दिखाई देने लगते हैं, और वो संस्कार है पूर्व जन्म के संस्कार। कोई आत्मा कहां से आई, कोई आत्मा कहां से आई, तो उस जन्म के संस्कारों को भी साथ लेकर के आती है। तभी कहते हैं ये बच्चा तो पता नहीं, उसके अंदर ऐसी विशेष बातें हैं। कई बार देखते 5 साल का बच्चा शास्त्र का श्लोक बोलने लग गया, 3 साल का बच्चा कंप्यूटर चलाने लग गया, तो कहते हैं उसके पूर्व जन्म के संस्कारों का उदय हुआ। अब उसी में उदय हुआ, बाकी सब में नहीं हुआ? नहीं, उदय हर एक में होता है, लेकिन इंटेंसिटी में फर्क पड़ता है। किसी में बहुत पावरफुल इंटेंसिटी से बाहर आ जाता है तो एक्सेप्शनली दिखाई देता है, और किसी में स्लो इंटेंसिटी होती है तो दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार हरेक में उदय होते ही है। तीसरे प्रकार के संस्कार है खानदानी के संस्कार, माता पिता द्वारा प्राप्त संस्कार, बाप दादा के संस्कार। कोई बच्चा माँ जैसा है, कोई बच्चा पिता जैसा है, कोई दादा जैसा है। एक बार एक छोटा बच्चा था 10-12 साल का, बहुत झूठ बोलता था, बात बात में झूठ बोलता था। कई बार मैंने उसको देखा झूठ बोलते हुए। एक दिन मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा इधर आओ, तुम झूठ क्यों बोलता है? तो हंसने लगा, जानता था वो खुद भी झूठ बोलता हूं। मैंने उसको पूछा, अच्छा ये बताओ तुमने झूठ जो बोला क्या मिला? कहने लगा कुछ नहीं। फिर क्यों झूठ बोलना चाहिए? तो कहता है बस निकल जाता है। मैंने उसको समझाना चाहा कि देखो तुम झूठ बोल करके अपने व्यक्तित्व को कैसे बना रहे हो, तुम्हारा भविष्य क्या होगा। कई कहानियां सुनाई, उदाहरण सुनाए। समझदार था बच्चा, मेरी हर बात को समझ रहा था। आधा पौना घंटा जब समझाया तो मुझे कहने लगा 1.5 घंटे के बाद, ठीक है आगे से झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने कहा प्रॉमिस करो कभी झूठ नहीं बोलोगे? कहता प्रॉमिस करता हूं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। पास में एक बुजुर्ग भाई थे, हमारी बातें सुन रहे थे, उनको हंसी आ गई। मैंने पूछा आप क्यों हंसे? कहा दीदी ये प्रॉमिस जो किया ना ये भी झूठ है। मैंने कहा आप कैसे कह सकते हैं कि ये झूठ है? कहा इसका दोष नहीं, उसका बाप भी ऐसा ही है, बिना मतलब ये झूठ बोलती ही है, और इसके दादा को भी मैंने देखा था वो भी ऐसा ही था। ये लोग जब तक झूठ नहीं बोलते तब तक इनकी रोटी हजम नहीं होती है। भावार्थ ये है कि खानदानी के संस्कार। वो बुजुर्ग भाई मुझे समझाने लगे
बहन जी आपने समझा दिया, उससे कोई खून थोड़ी बदली हो गया, खून तो वही है, इसलिए फिर झूठ बोलेगा। इसको सच बोलने के लिए तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ये तीसरे प्रकार के संस्कार। चौथे प्रकार के संस्कार है जो इस जन्म में नए क्रिएट करते हैं, वातावरण के प्रभाव में आकर के, संघ के प्रभाव में आकर के, और वो संस्कार भी बहुत पावरफुल होते हैं। कई बार देखते अच्छे घर के बच्चे जब स्कूल में हॉस्टल में जब रहते हैं पढ़ाई के लिए, वहां अगर बुरी संगत में लग जाते हैं तो संघ में आकर के बुराई करने लगते हैं। और माँ बाप को जब पता चलता है, उस बच्चे को समझाने का प्रयत्न करते हैं, बेटा ये संघ छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वो बच्चा माता पिता को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, संघ को नहीं। और पांचवें प्रकार के संस्कार है दृढ़ता के संस्कार। व्यक्ति एक बार कुछ ठान लेता है कि मुझे ऐसे ही करना है, बस उसके बाद कोई उसको बदल नहीं सकता है। इतना पावरफुल उसका दृढ़ संकल्प होता है कि उस दृढ़ संकल्प के कारण वो असंभव को भी संभव कर लेता है। ये पांचवें प्रकार के संस्कार, जो ओरिजिनल संस्कार है आत्मा के सात गुणों के आधार पर, जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है वो अपनी वास्तविकता से दूर होता जाता है और अवगुणों के तरफ चला जाता है, और ये सात गुणों के बजाय सात अवगुण उसके जीवन में आ जाता है। अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, यही बातें उसके अंदर आ जाती है। राजयोग माना क्या? राजयोग माना एक ऐसी यात्रा जो बुराइयां हैं उस बुराइयों से अपनी वास्तविकता के तरफ जाने की एक यात्रा, उसको कहा गया राजयोग। और ये यात्रा है मन की यात्रा। ये ओरिजिनल संस्कार जितने हमारे जीवन में पावरफुल है, उतना ही उसकी एनर्जी भी हम ऐसे विकसित करते हैं कि व्यक्ति अपने चारों ओर एक ऐसा ओरा तैयार करता है, एक एनर्जी लेवल तैयार करता है जो उसके लिए कवच बन जाता है, और उसमें वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। कई बार कई लोग पूछते हैं, ये सात गुणों से आखिर हमारे जीवन में क्या प्राप्ति होगी, क्या फायदा होगा? तीन बहुत बड़े फायदे होंगे। जितने भी दुनिया के अंदर महान हस्तियां हो गई, उनकी महानता का आधार क्या था? उनकी महानता का आधार यही सात गुण ही तो थे कि उनकी बैटरी फुल चार्ज थी। चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे वो महात्मा बुद्ध हो, महावीर स्वामी हो, मदर टेरेसा हो, या हमने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड को देखा, उनके अंदर जो विलक्षणता थी वो यही बात की थी कि उनके अंदर ये सातों गुणों से बैटरी फुल चार्ज थी, और इसलिए उन्होंने दुनिया के अंदर एक डिफरेंस करके दिया। कितने लोगों के जीवन को प्रभावित किया, कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन ले आए। तीन बहुत बड़े फायदे कि जब ये सातों गुणों से बैटरी फुल चार्ज है तो हम परिस्थिति को बदल सकते हैं, हम लोगों की मनोवृत्ति को बदल सकते हैं, और हम टोटल वातावरण को बदल सकते हैं। इतनी शक्ति है इसके अंदर।
स्वामी विवेकानंद के जीवन की एक बात याद आती है कि जब वो अमेरिका चले गए तो रास्ते पर कहीं जा रहे थे तो एक बहन थी और उसका पति था साथ में, तो उनके पहरवेश को देख करके कहने लगी, ये कैसा व्यक्ति है, क्या पहना हुआ है, उसने खाली एक कपड़ा ही लपेट लिया है। स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए और मुड़ करके कहने लगे कि हमारे देश में कपड़ों से किसी व्यक्ति की पहचान नहीं होती है, चरित्र से उसके व्यक्ति की पहचान होती है। भावार्थ ये है कि उस चरित्र के अंदर क्या है ये आपने नहीं देखा। वो बहन इतनी शर्मिंदी हो गई और वो उसके पीछे पीछे चलने लग पड़ी कि कौन व्यक्ति है। आज की दुनिया का कोई व्यक्ति होता था तो क्या करता था, शायद सीना तान के खड़ा हो जाता था लड़ाई झगड़ा करने के लिए, क्या कहते हैं हम। लेकिन स्वामी विवेकानंद बैटरी फुल चार्ज थी। इसी तरह महावीर स्वामी जब जंगल में तपस्या करते थे तो कहा जाता है कि हिंसक प्राणी भी उस वातावरण के अंदर आ जाते थे, इतना ओरा उनका फैला होता था कि कोई भी हिंसक प्राणी भी उस वातावरण के संपर्क में आ जाता था वो भी अपनी हिंसक वृत्ति छोड़ देता था, अहिंसक हो जाता था, सारे वातावरण को चार्ज कर लेता था। महात्मा बुद्ध जब भ्रमण कर रहे थे, एक जंगल से गुजरने वाले थे तो लोगों ने मना किया, इस जंगल से मत जाना, यहाँ अंगुलीमल नाम का डाकू रहता है, वो हर एक को मार के उनकी अंगुलियां काट काट करके हार बनाकर पहनता है, आप नहीं जाओ यहां से। महात्मा बुद्ध निर्भय होकर चलते रहे। जब अंगुलीमल नाम का डाकू सामने आ गया, उसके साथ इतना प्यार भरा व्यवहार कि वो व्यक्ति भी झुक गया उनके चरणों में, उसने अपनी हिंसक प्रवृत्ति छोड़ दी, वो मनोवृत्ति बदल गई और वो महात्मा बुद्ध का शिष्य बन करके चलने लगा। तो ये सातों गुणों से जब बैटरी फुल चार्ज है तो उससे परिस्थिति को बदल सकते हैं, उससे लोगों की मनोवृत्ति को बदल सकते हैं, वातावरण को बदल सकते हैं और उनके जीवन में एक ऐसा प्रभाव डाल देते हैं कि जिससे उनके जीवन में भी एक महान परिवर्तन आ जाता है। ने फायदे, आज यही तीन फायदे तो हर एक इंसान चाहता है कि परिस्थिति हमारे अनुकूल हो, लोग हमारे हिसाब से चले और वातावरण को हम अपने रूप से बनाए, यही तो चाहते हैं ना। आज क्या चाहते, बिजनेस में भी इंसान क्या चाहता है, नहीं तो घर का वातावरण भी उसके कंट्रोल में नहीं है। कई बार माँ बाप कहते हैं हमारे बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनकी मनोवृत्ति को ठीक कैसे करें। आप चार्ज कर लो अपनी बैटरी को, वो अपने आप ठीक होता जाएगा। यही एक है, इफ यू चेंज द वर्ल्ड कैन चेंज। हम अगर परिवर्तन करते हैं अपने आप को तो दुनिया धीरे धीरे अपने आप परिवर्तन होने लगती, और ये सात गुण मुख्य आधार है। तब फिर कई बार कई लोग प्रश्न पूछते हैं, फिर अगर हम अपने व्यक्तित्व को बदलना चाहते तो कैसे बदल सकते हैं, संभव है क्यों नहीं। इंसान का व्यक्तित्व एक बर्फ की शिला जैसा है, 90% भाग नीचे है, 10% ऊपर है, और आत्मा बीच में है जिसमें अथाह क्षमता है, अथाह शक्ति है, परंतु उसके ऊपर वो चारों प्रकार के अंडर करंट हावी है, बुराइयों के संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कार, खानदानी के संस्कार और संग के रंग के संस्कार।
ये चारों प्रकार के संस्कार जब उसके ऊपर हावी है तो उसका जीवन हम देख सकते हैं कि जीवन उसी दिशा में चलता जाता है। और इसलिए आत्मा की क्षमता होते हुए भी वो संकुचित हो जाता है, सीमित हो जाता है, वो अपनी शक्ति से कार्य नहीं कर सकता है। लेकिन उसके लिए जैसे कहा जाता है कि लोहे से लोहा कटता है, ऐसे संस्कार से संस्कार को भी खत्म किए जा सकते हैं। और संस्कार से संस्कार को कैसे खत्म किए जा सकते हैं, तो जब पांचवे प्रकार के संस्कार को जागृत करते हैं, दृढ़ता के संस्कार को, तो आत्मा की शक्ति को वो बाहर ले आता है और तब ये चारों प्रकार के संस्कार निष्क्रिय हो जाते हैं। और जब आत्मा की शक्ति बाहर आती है, उसके बाद आध्यात्मिक ज्ञान हमें बहुत मदद रूप होता है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान ही हमें दिशा प्रदान करती है किस दिशा में हमें चलना है। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान जब सही दिशा देती है तो व्यक्ति महानता के शिखर पर पहुंचने लगता है। और आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव है जब जीवन में, तो वही व्यक्ति हिटलर या कोई टेररिस्ट भी बन जाता है। दृढ़ता उनमें भी अथाह है, लेकिन रॉन्ग चैनलाइज्ड, गलत दिशा है, इसलिए अपनी शक्ति को वेस्ट अधिक करते हैं। और इस तरह से संपूर्ण व्यक्तित्व को हम परिवर्तन कर सकते हैं। वो आत्मा इस शरीर के अंदर कहां निवास करती है? शरीर तो एकमात्र साधन है, आत्मा मुख्य चीज है। जैसे कहते हैं मेरा शरीर, मैं शरीर तो नहीं कहा, मेरा हाथ कहते हैं मैं हाथ तो नहीं कहा, तो मैं कहने वाली वो शक्ति इस शरीर में कहां रहती है? जिस प्रकार व्यक्ति के हाथ में एक चाकू है, उस चाकू को पता नहीं कि मुझे सब्जी काटना है या किसी इंसान को मारना है, वो डिसाइड नहीं करता है। इसी तरह उस चाकू को प्रयोग करने वाले ये हाथ भी डिसाइड नहीं करते हैं कि मुझे इससे सब्जी काटना है या किसी इंसान को मारना, क्योंकि ये भी एक साधन ही है जैसे वो चाकू साधन है। सोचने वाली शक्ति, डिसाइड करने वाली शक्ति वो आत्मा है। तो वो आत्मा का निवास स्थान कहाँ है शरीर के अंदर? अलग अलग मान्यताएं हैं दुनिया के अंदर। कोई कहते हैं हृदय में रहती है, लेकिन आज जब हार्ट ट्रांसप्लांटेशन होता है तो वो आत्मा कहां जाएगी? कोई कहते हैं सारे शरीर में भ्रमण करती है, एक ही व्यक्ति एक ही समय में देख भी रहा है, सुन भी रहा है, बोल भी रहा है, हाथ भी हिला रहा है, चल भी रहा है, उस वक्त आत्मा कहां जाएगी? आत्मा का कोई एक स्थान होना चाहिए। जिस तरह गाड़ी में ड्राइवर का एक स्थान है जहां से बैठ के सारी गाड़ी को वो कंट्रोल करता है, ये नहीं कि रिवर्स करना है तो पीछे दौड़ेगा, आगे चलाना है तो आगे जाएगा, नहीं, एक ही स्थान पर सारे कंट्रोल्स है जहां से वो कंट्रोल करता है। ठीक इसी प्रकार शरीर के अंदर जो कंट्रोल रूम है वो है मस्तिष्क। इसलिए आत्मा का निवास स्थान भी वही है जहां से वो सारी शरीर की कर्मेंद्रिय को कंट्रोल कर सकता है, उसको गाइड कर सकता है। मेडिकल साइंसेस के द्वारा भी ये प्रूफ किया गया है कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में आत्मा का निवास स्थान है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में तिलक लगाते हैं। तिलक क्यों लगाया जाता है? वो भी और कहीं जगह नहीं लगाया,
यही लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये तो सरफेस मार्किंग है, लेकिन ठीक इसके पीछे पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस है, जहां आत्मा का निवास स्थान है। इसलिए मंदिर में जाते हैं तो बहुत सुंदर एक प्रथा है भारत में कि चमड़े की चीज को बाहर उतारेंगे, फिर अंदर जाएंगे, तिलक लगाएंगे, फिर हाथ जोड़ के नमन करते। ये रीत चलती आई, लेकिन ये क्यों किया जाता है? चमड़े की चीज को ही बाहर क्यों उतारा जाता है? अच्छा, चमड़े की चीज को तो उतार दिया, लेकिन ये चमड़ा, ये शरीर भी तो एक चमड़ा है ना, जिसका इंसान अभिमान करता है, तो ये अभिमान के चमड़े को तो उतारा ही नहीं। और जब अभिमान के चमड़े को उतारना नहीं आता है तो स्थूल रूप में चमड़ा उतार दिया। वास्तव में उतारना है तो अभिमान के चमड़े को उतार दो। जो मनुष्य अज्ञानता के कारण ये कहने लगता है मैं फलाना, इस कॉन्शियसनेस को बाहर उतार दो और फिर अंदर जाके तिलक लगाते हैं, अर्थात स्वयं को आत्मनिश्चय करो कि मैं ये देह नहीं हूं, इस देह में विराजमान एक चैतन्य शक्ति आत्मा। और जब इस कॉन्शियसनेस को डेवलप करते हैं, फिर भगवान की मूर्ति के सामने जाकर के नमन करो। ये कॉन्शियसनेस में भी कौन सी बातें रखनी है, उसमें भी तिलक, जब मंदिर में जाते हैं तो चंदन का ही तिलक लगाया जाता है। चंदन का ही तिलक क्यों? और वो भी एक छोटा सा तिलक लगाएंगे क्योंकि चंदन का कलर है गोल्डन। ये याद दिलाता है कि आत्मा का भी ओरिजिनल स्वरूप जो है शुद्ध और पवित्र है। चंदन लगाने से एक ठंडक महसूस होती है। ये याद दिलाता है कि आत्मा का ओरिजिनल स्वधर्म भी शांत है। चंदन की खुशबू चारों ओर फैलती है, ये स्मृति दिलाता है कि आत्मा जब अपने असली सतोगुणी स्वरूप में होता है तो अपने गुणों की खुशबू सारे संसार के अंदर फैला सकता है, इसलिए चंदन का तिलक लगाया जाता है। लेकिन ओरिजिनल ये आत्मा कहां से आती है? जो कहते हैं जहां से आए वहां जाना है, कहां से आए और कहां जाना है? ये संसार तो एक रंगमंच है। ओरिजिनली हर आत्मा ये पांच तत्वों की दुनिया से पार एक छठा तत्व है, जहां सभी आत्माएं निवास करती है, जिसको कहते हैं परम धाम, शांति धाम। अलग अलग नाम दिए हुए अलग अलग धर्म में, किसी ने परम धाम कहा, किसी ने शांति धाम कहा, किसी ने निर्वाण धाम कहा, किसी ने सचखंड कहा, किसी ने रूहानी दुनिया कहा, किसी ने सातवां आसमान कहा, लेकिन हम उसको कहते हैं अपना प्यारा घर। किसी ने मोक्ष धाम, मुक्ति धाम कहा, लेकिन हम उसको कहते हैं अपना प्यारा घर, क्योंकि घर ऐसा स्थान है जहां व्यक्ति का विशेष लगाव होता है। सारी दुनिया घूम करके आएंगे, लेकिन जब अपने घर आएंगे तो शांति होगी। जो नींद अपने घर में आती है वो और कहीं नहीं आती है, इसीलिए कहा जाता होम स्वीट होम। तभी मनुष्य कहते हैं, कई बार बाहर जाते बीमार हो जाते, कहेंगे उसको होम सिकनेस हो गई है। अपना घर प्यारा है। आज संसार में भी मनुष्य
जब अनेक जन्म लेकर के यहाँ अपना पात्र निभा रहा है, तो बीच बीच में कभी कभी उसको भी अपना घर याद आता है। इसलिए जब जीवन में बहुत तंग हो जाता है तो क्या कहते हैं, इससे तो मोक्ष मिल जाए तो अच्छा है, मोक्ष की कामना करने लगते हैं। लेकिन उसमें भी तीन प्रकार के लोग हैं। कोई ऐसे हैं जो परमानेंट जाना चाहते हैं, मोक्ष आना ही नहीं है दुनिया में, बहुत देख लिया ये दुनिया क्या है, अब क्यों आना चाहिए, बस परमानेंट मोक्ष मिल जाए। दूसरे प्रकार के लोग हैं जो टेम्पररी जाना चाहते हैं, जा करके रेस्ट करके फ्रेश होके फिर आए। और तीसरे प्रकार के लोग हैं जो जाना ही नहीं चाहते, कहते दुनिया बहुत अच्छी, क्यों जाना चाहिए, चेंज योर एटीट्यूड। आप लोग क्या चाहते हैं, कितने हैं जो परमानेंट जाना चाहते हैं, है कोई लोग परमानेंट जाना चाहते हैं, हाँ है, अच्छा। कितने जो टेम्पररी जाना चाहते हैं, जा करके रेस्ट करके फ्रेश होके फिर आए, अच्छा है वो भी है। और जो जाना ही नहीं चाहते वो भी है। लेकिन यहां मुझे चार प्रकार के लोग दिखाई देते हैं, चौथे प्रकार के जो अनडिसाइडेड है, पता नहीं वो कहां जाना चाहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो परमानेंट कोई नहीं जा सकता है। आप सोचेंगे नहीं बहन जी हम जाना चाहते हैं ना, एक छोटा सा उदाहरण देती हूं। एक बड़ी बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में 50-60 फ्लैट्स हैं। बिल्डिंग के नीचे एक प्लेग्राउंड है, वैकेशन का टाइम है, सारे बिल्डिंग के बच्चे आकर नीचे खेलते हैं। मान लो आप भी एक फ्लैट में रह रहे हो और आपका भी बच्चा है, वो भी आपसे कहता है मुझे नीचे जाना है खेलने के लिए, आप उसको मना कर दो कि नहीं नीचे नहीं जाना, इतने तेरे पास गेम्स है, ऊपर कंप्यूटर गेम्स है, ऊपर बैठ के खेलो, नीचे जाके क्या करना है, मान जाएगा नहीं। उसको उस वक्त वो कंप्यूटर गेम्स अच्छी नहीं लगती है, नीचे एक लाइवली गेम चल रही है, नीचे जाना चाहता है। उसको आप समझाओ बेटा नीचे जो खेल चल रहा है ना वो बड़ा रफ खेल है, किसी ने तुझे धक्का दिया, किसी ने तुझे धक्का दिया, चोट लगी, फिर तुम रोएगा, क्या कहेगा, कोई बात नहीं मैं नहीं रोऊंगा, लेकिन जाना है नीचे। सारा समझाने के बाद आपने कहा ठीक है जाओ, गया नीचे, खेल में इन्वॉल्व हुआ, शुरू में तो जीत रहा था, सारा दिन खेल चला, दोपहर को खाना खाने के लिए भी बस आया और भागा फिर सीधा नीचे। जैसे जैसे शाम होती गई चीटिंग बढ़ती गई, और चीटिंग बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आया किसी ने जोर से उसको धक्का दिया, गिरा दिया, चोट लगी, उसको जोर से रोने लगा। आपने आवाज सुनी, क्या करेंगे, जाएंगे, जा करके सारे बच्चों को कहेंगे अच्छा सबने बहुत खेला सारा दिन, अब सब अपने अपने घर जाओ, क्योंकि मालूम है जब तक सब नहीं जाएंगे तब तक खुद का बच्चा भी ऊपर आने वाला नहीं है। इसलिए सबको घर भेजते हैं, खुद के बच्चे को भी आप ले आते हैं, और ले आने के बाद उसको साफ स्वच्छ करके मलम पट्टी लगा के कुछ खाना पीना दिया, सोया। दूसरे दिन जब वो खेल शुरू होता है तो जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा। ठीक इसी तरह हमारे पिता ने भी हमको कहा बेटे बैठे रहो ऊपर, इतनी शांति है, नीचे जाके क्या करना है, हमने भी क्या करना है, जाना है नीचे, ऊपर शांति उस वक्त अच्छी नहीं लगती है, नीचे एक लाइवली खेल चल रहा है, हम ऊपर कैसे बैठेंगे। और इसलिए जब हमें भी समझाया गया कि नीचे का खेल बड़ा रफ खेल है, कोई धक्का देगा, कोई धोखा देगा, कोई चोटे देगा, कोई दिल की चोटे देगा, तो हमने भी क्या कहा, कोई बात नहीं,
नीचे आए, खेल में इन्वॉल्व हुए, कई जन्म तो हम जीत रहे हैं, और फिर बाद में कभी कभी ऐसी स्थिति आने लगती है कि जब बहुत धक्का मिलने लगता है, बहुत धोखा मिलने लगता है, चोटें लगने लगती है, दिल की चोटें लगने लगती है, तब फिर रोना शुरू करते हैं, हे प्रभु अब तो मोक्ष मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तब भगवान ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य, वो भी आते हैं और आकर क्या करते कहते हैं, चलो बच्चे अब घर चलो, बहुत हो गया है ना, इसलिए अब आप दुनिया में देखेंगे होलसेल में मौत का प्रोग्राम शुरू हो गया है। होलसेल में कहीं सुनामी लहरें आ रही है, कहीं भूकंप हो रहे हैं, और अभी तो बड़े से बड़े रेक्टर स्केल पर भूकंप आने वाले हैं, ऐसे कहते हैं, क्योंकि ये दुनिया अब एक परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रही है। और इसलिए सभी आत्माओं को जाना ही है घर, और जा करके जैसे ही दुनिया के अंदर फिर से सुव्यवस्थितता परमात्मा ले आएंगे, उसके बाद वापस आना शुरू करेंगे। लेकिन जाना कैसे ये हमारे ऊपर है कि किस ढंग से हम जाएंगे। जैसे घर में दो बच्चे होते हैं ना, दोनों को माँ बाप सुबह तैयार करते हैं और कहते हैं चलो बेटे तैयार हो जाओ स्कूल जाना है। एक तो बड़ा आज्ञाकारी है, तैयार हो जाता है, लेकिन दूसरा तूफानी है, उसको पता है मैंने होमवर्क ही नहीं किया है, तो क्या कहता है आज मुझे स्कूल नहीं जाना है, आज छुट्टी करनी है। आप छोड़ देंगे उसको? नहीं, क्योंकि मालूम है यही उसका जीवन का आधार है। अगर एक बार उसको छुट्टी दे दी तो हर बार ऐसे ही करने लगेगा, फिर इसलिए वो रोएगा, उथल पुथल करेगा सब कुछ, लेकिन उससे कोई आप उसको पहले तो समझाएंगे प्यार से, चलो बेटा जाना तो पड़ेगा, स्कूल तो जाना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। फिर भी अगर नहीं माना तो उसको कुछ लालच देंगे, कुछ चॉकलेट देंगे, बिस्किट देंगे, कुछ वायदा करेंगे कहीं ले जाने के लिए। फिर भी नहीं माना तो दो थप्पड़ मार के भी उसको ले जाएंगे स्कूल। अब दोनों बच्चे जा रहे हैं स्कूल, एक रोता हुआ जा रहा है, एक हंसता हुआ जा रहा है। जो रोता हुआ जा रहा है ना, रो रो के थक जाता है, तो वहां स्कूल में जाएगा बेंच पर सिर रख के सो जाएगा, कुछ प्राप्त नहीं करेगा, सारा दिन मूड ऑफ रहेगा। सर भी समझ जाते हैं आज उसका मूड ऑफ है, कोई उसको छेड़ना नहीं, यही कहेंगे। ठीक इसी प्रकार भगवान के भी दो प्रकार के बच्चे हैं। भगवान भी कहते हैं चलो बच्चे अब जाना है घर, तो कई बच्चे तो आज्ञाकारी बन करके अपने आप को तैयार कर लेते हैं, और कई बच्चे हैं जो कहते हैं नहीं हमें नहीं जाना है, ये दुनिया बहुत अच्छी है, आखिर जाना तो पड़ेगा, परिवर्तन का समय है। पहले भगवान भी प्यार से समझाते हैं, अगर फिर भी नहीं माने तो क्या करेंगे, फिर धर्मराज की मार पड़ेगी, मार खा के भी जाना तो जरूर है। अब कैसे जाना है ये हमारे ऊपर है कि हमें कैसे चलना है ईश्वर के साथ, लेकिन जाना तो अवश्य है। तो ये है आत्मा का संपूर्ण परिचय। जैसे किसी व्यक्ति का भी परिचय लेते हैं ना, उसमें पांच बातें पूछी जाती हैं, आपका नाम क्या है, फिर हर जगह फोटो चाहिए, वही है या दूसरा है, तीसरा उसका क्वालिफिकेशन, चौथा उसका एड्रेस, एड्रेस में भी दो एड्रेस, एक टेम्पररी एक परमानेंट कोई गांव होगा, और पांचवा प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। ये पांच बातों में संपूर्ण परिचय आ जाता है। आज आत्मा के परिचय में भी ये पांचों बातों को हमने देखा कि उस चैतन्य शक्ति का नाम है, आत्मा कहो, रूह कहो, सोल कहो, शक्ति कहो, जो भी कहो, उसका स्वरूप है अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप, प्रकाश पुंज, एक ज्योति पुंज,
तीसरा उसका क्वालिफिकेशन है 7 गुण, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद और शक्ति। उसका एड्रेस है टेम्पररी एड्रेस ब्रुकुटी के मध्य में, और परमानेंट एड्रेस परम धाम जहां से आए, और प्रेजेंट ऑक्यूपेशन है कि ये 7 गुणों के आधार पर अपने जीवन को चलाना, अपनी बैटरी को फुल चार्ज करना और हर कर्म करना, ये है मनुष्य जीवन का उद्देश्य। तो ये है आत्मा का संपूर्ण परिचय। अब थोड़ी देर के लिए हम बैठेंगे और जो मेडिटेशन का पहला कदम है आत्मचिंतन, वो आत्मचिंतन करेंगे, अपने मन को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं।